हाय गाइस, वेलकम बैक। टाइगर का ट्रेलर तो बॉस अभी नहीं आया है, अभी पूरे के पूरे 8 दिन बचे हैं, लेकिन अभी से टाइगर के ट्रेलर को लेकर एक्साइटमेंट बहुत ज़्यादा है। क्या न्यूज़ आ रही है अब टाइगर के ट्रेलर से रिलेटेड, और साथ साथ में बात करेंगे डे वन कलेक्शन को लेकर अभी से क्या एंटिसिपेशन और प्रिडिक्शन चल रही हैं, सब कुछ बताते हैं आपको इस वीडियो में। वीडियो को एंड तक जरूर देखना, चैनल को सब्सक्राइब। आई थिंक जब हम ये बात करते हैं टाइगर के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की, तो बहुत से लोग ये बोल सकते हैं दैट इट इज़ टू अर्ली फॉर इट। ऑफ कोर्स आई नो इट्स टू अर्ली फॉर इट, लेकिन जैसे कि हमको पता ही है कि एंटिसिपेटेड डेट जो है ये टाइगर की पड़ रही है दिवाली का सबसे बड़ा मौका, सबसे बड़ा त्यौहार जो कि इंडियन त्यौहारों में, फेस्टिवल्स में सबसे बड़ा माना जाता है। अब इससे रिलेटेड अभी से कह सकते हैं कि टाइगर के जो फैंस हैं, फैन क्लब्स हैं, पूरी तरीके से एक्टिवेट हो चुके हैं। आज सारा दिन जबकि कितना कुछ चलता रहा है, जवान भी एक तरफ चल रही है, लियो की भी एडवांस बुकिंग चल रही है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन जो टॉप ट्रेंड पर चल रही थी, सबसे टॉप ट्रेंड पर वॉज टाइगर 3 का ट्रेलर। यस गाइज, टाइगर 3 का ट्रेलर अभी से टॉप ट्रेंड पर है, और कह लो पूरे के पूरे हफ्ते ये टॉप ट्रेंड पर जाने वाला है। क्यों? रीजन बींग वायर ऑफ स्पाई यूनिवर्स सबसे बड़ा फैक्टर, एंड सलमान खान उससे भी बड़ा फैक्टर। भाई सलमान खान की जो फैंडम है अब वो अपने एक्शन में आ चुकी है, और हमने देखा है कि चाहे उनकी कोई एवरेज कंटेंट वाली मूवी भी हो तब भी उस फिल्म को इतना ज़्यादा प्यार मिलता है कि कॉन्जिक्यूटिवली, एक आपको याद होगा, कॉन्जिक्यूटिवली 16 फिल्में सलमान खान की ऐसी रह चुकी हैं जो 100 करोड़ क्लब में एंटर कर चुकी हैं, 16 फ्रीकिंग फिल्म्स इन अ रो। सो ये सारे जो रिकॉर्ड्स हैं अब इनको सामने लाने की ज़रूरत है, क्योंकि ये वो रिकॉर्ड्स हैं जो हमने उस टाइम पर करे थे। दोबारा से बात कर रहे हैं उसकी, उस टाइम पर करे थे जब सलमान खान की फिल्म आई थी किसी का भाई किसी की जान, उस टाइम पर भी हमने ये सारे रिकॉर्ड्स के बारे में बात करी थी। और अब फिर से सलमान खान का मेनिया, सलमेनिया इज कमिंग इन टू प्ले। सो अब डे वन कलेक्शन को लेकर क्या बातें चल रही हैं मार्केट में। देखो YRF इज अ खिलाड़ी, YRF नॉट खिलाड़ी, YRF इज अ प्लेयर इन टर्म्स ऑफ देयर डिस्ट्रीब्यूशन। जब वो फिल्मों को डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, दे मेक श्योर कि कोई और आके टक्कर में खड़ा ना हो पाए, चाहे इंडियन मार्केट या फिर इंटरनेशनल मार्केट्स। हम लोगों ने अभी से पहले सबसे बड़ा एग्जांपल देखा है जवान का, जिसमें धो डाला है भाई, धो डाला है इंटरनेशनल मार्केट्स को, धो डाला है। नॉट जस्ट दैट, अभी सोचो डंकी के लिए भी YRF ने अभी से कमर कस रखी है, तो सोचो टाइगर के लिए क्या कुछ करके रखा होगा। टाइगर के लिए जो फैंस परेशान हो रहे थे या जो सोच रहे थे भाई कब YRF जागेगी, YRF की नींद कब खुलेगी, और हमको कब ये रिपोर्ट सुनने को मिलेंगी कि कितनी स्क्रीन काउंट्स मिलने जा रही हैं, कितनी स्क्रीन्स मिलेंगी। तो भाई अभी अब जो है इसकी तह तक जब हम जाते हैं तो हमको रिपोर्ट्स मिलनी शुरू हो जाती हैं, पता चलना शुरू हो जाता है कि भाई जब पठान को इतना हैवी डोमेस्टिक प्रमोशन मिला था, इतना हैवी डोमेस्टिक स्क्रीन्स मिली थी और फिर ओवरसीज स्क्रीन्स मिली थी, तो सोचो वो एक ऐसी फिल्म थी जिस वक्त पर वो एक गैम्बल की तरह भी थी, क्योंकि ऑफकोर्स शाहरुख खान फैक्टर तो था ही और वो इसमें भी है, लेकिन बहुत समय के बाद YRF स्पाई यूनिवर्स से एक फिल्म आ रही थी, और अब जब हम बात करते हैं उसके मेगा ब्लॉकबस्टर के हो जाने के बाद, और टाइगर का ऑलरेडी एक ब्रांड जो है वो शुरू से ही एक अपनी फैन बेस लेकर के चलता है न्यूट्रल ऑडियंस में, सो अब सोचो कि स्क्रीन काउंट्स जो हैं ये कितनी तगड़ी होने वाली हैं। YRF ने, कह रही हूँ ना, कमर कस ली है, और दे विल मेक श्योर, एक तो क्लैश में तो कोई आने वाला ही नहीं है टाइगर के क्लैश में, भाई शेर जब शिकार कर रहा है तो बाकी सब जो है इधर उधर हो जाते हैं, सो आई डोंट थिंक सो कोई भी आने वाला है क्लैश में। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि जिस तरीके से न्यूट्रल ऑडियंस में मैंने एक्साइटमेंट देख ली है अब टाइगर को लेकर, दैट इज़ अनप्रेसिडेंटेड। ऑफकोर्स वी आर लुकिंग एट अ टाइम जब जो भी एक्शन मूवीज हैं, स्पाई यूनिवर्स है, एवरी थिंग इज कमिंग इन टू प्ले, और ऑडियंस को बहुत पसंद आ रहा है वाला जॉनर, लेकिन जो एक चीज़ जो बाकी सबसे हटके है यहाँ पर, वो ये है कि सलमान खान के जब वो कोई फिल्म करते हैं, ही मेक्स श्योर दैट द फिल्म राइड्स ऑन हिम, और वो जो फैक्टर है वो हमको यहाँ पर ट्रेलर जो हमने टीज़र देखा था उस टीज़र में भी दिख गया है। उस टीज़र की और उस ट्रेलर की इतनी चर्चा गर्म है अभी से मार्केट में कि इट इज़ द बिगेस्ट एक्शनर, सबसे बड़ी एक्शन फिल्म ऑफ इंडियन सिनेमा का खिताब मिल चुका है, तो इससे ज़्यादा अब और क्या चाहिए। अब धीरे 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 परतें खुलनी शुरू हो रही हैं, स्क्रीन काउंट्स हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगे अब से कुछ दिनों में ही, जल्दी ही आने शुरू हो जाएंगे, क्योंकि इनके ऊपर अब फैन क्लब्स भी जो हैं ये लोग काम कर रहे हैं, हम लोग हमारा अपना काम है जो हम ऑलरेडी इनको ट्रैक करते रहते हैं, वो सब के बारे में बात होगी, और साथ में बात होगी कि भैया डे वन कलेक्शन कहाँ तक जा सकती है, लाइफ टाइम कहाँ तक जा सकती है। फैंस का कहना है 1500 करोड़, कुछ फैंस का कहना है 1200 करोड़, कुछ फैंस का कहना है भाई इंडिया नेट में आराम से 650 करोड़ 700 करोड़ तक ब्रैकेट में जा सकती है। सो नाउ दैट इज समथिंग एक्साइटिंग। ओवरसीज मार्केट, जिसको कभी भी इग्नोर मत करो आज के समय में बिल्कुल भी, क्योंकि ओवरसीज मार्केट से जो बिजनेस आता है ना वो तो एकदम मतलब सोने पे सुहागा,
वाली बात हो जाती है। तो YRF का जहां तक नाम आता है भाई, पंगा लेने की जरूरत नहीं है। टाइगर 3 की प्लानिंग धाकड़ हो चुकी है और स्क्रीन्स जो हैं धीरे धीरे हमारे सामने आने शुरू हो जाएंगी। स्क्रीन्स के ऊपर क्या कुछ आने जा रहा है वो मैं आपसे और अगले वीडियोज में शेयर करती रहूंगी। स्क्रीन काउंट्स को लेकर क्या एंटिसिपेशन लग रही है वो सब मैं आपसे शेयर करती रहूंगी, लेकिन इतना मैं बता देती हूँ, टाइगर 3 इज ऑलरेडी एन ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर, दैट इज गिवन। ओके, सो लेट्स वेट एंड वॉच। अब नेक्स्ट क्या आती है अपडेट वो मैं आपसे शेयर करूंगी अगले वीडियो में टाइगर के। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड फॉर ऑल द अपडेट्स। इफ यू लाइक दिस वीडियो गिव इट थम्स अप, डोंट फॉरगेट टू शेयर इट एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब टू माय चैनल व्हिच इज कॉल्ड स्टोर।